हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं पीबीजेक चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैनवा से मोटिवेशन फोटोज बना सकते हो जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि आप देख सके सबसे पहले हमारी वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। एक का नाम है कैनवा और एक का नाम है पीपजैक। इस एप्लीकेशन का दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन साइनअप कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ डाटा लोडिंग होगा और यहाँ पर होने के बाद इसको कट कर लेते हैं। आपने सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है कैनवा मोटिवेशन पिक्चर। ये जब आप टाइप करेंगे यहाँ पे कैनवा टाइप करने के बाद आपके सामने एक रिज़ल्ट आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करें और यहाँ पे एक आपको आइकॉन मिलेगा डाउनलोड का। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद आपकी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। सो, उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे करना क्या है, कैनवा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर लें। तो कैनवा एप्लीकेशन को ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपने एक लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जिस पोज के अंदर आप फोटो को बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट पे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पोस्ट आपने ले लेनी है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को दोस्तों आपने बैक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एक प्लस आइकॉन है, इस प्लस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा अपलोड मीडिया, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेनी है और वो फ़ोटो को यहाँ पे आपने ले लेना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ये फ़ोटो मैंने ले ली और यहाँ पे दोस्तों जब आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे अपलोडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका फ़ोटो आ जाएगा। जब आप यहाँ पे डबल टैप करोगे फ़ोटो के ऊपर तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप काफ़ी तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इफ़ेक्ट वगैरह या फिर आप अपने हिसाब से कलर एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा डार्क है तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे हाईलाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका फ़ोटो का कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, मतलब कि दिखने में अच्छा हो जाए। और यहाँ पर आप ब्लर वगैरह भी ऐड में भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है, आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। उसके बाद दोस्तों मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, दोबारा से अपलोड फाइल करनी है। तो यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करें और जो फ़ोटो आपने अभी डाउनलोड करी थी पीपजैक एप्लीकेशन से, उस फ़ोटो को यहाँ पे दोस्तों आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको नहीं पता, वो आपके डाउनलोड फोल्डर में पीपजैक फोल्डर करके वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये फ़ोटो दोस्तों देखो, आप देख सकते हो कि ये फ़ोटो अपलोड हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल सा करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है जब ये अपलोड हो जाएगी। तो मैं क्लिक कर देता हूँ और ये इस तरीके से दोस्तों आपके सामने ये फ़ोटो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको अपने फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे लगा लेना है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके से दोस्तों आपने ये लगाना है। देन उसके बाद आपने प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हेडलाइन ले लेनी है आपने और इसे हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम वो शायरी या फिर कोई भी मोटिवेशन लाइन को पेस्ट कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी किया हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह चेंज कर लें जो आप कलर चाहते हैं। मैं यहाँ पे वाइट कलर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको
थोड़ा सा कट कर लेते हैं इस तरीके से ताकि ये बराबर हो जाए। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपने सर्च करना है हिंदी। हिंदी सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी फॉन्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मीडियम टॉप क्वालिटी वाले जो भी हैं। आप यहाँ पे कोई भी एक फॉन्ट को ले लें, एग्जांपल के लिए मैंने ये फॉन्ट ले लिया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं करूँगा क्या, इसको थोड़ा सा करूँगा बड़ा इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँगा, तो पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। तो आपने करना क्या है, सिंपल से इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉन्ट है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर वाली लाइन को कट कर देंगे। देन इस फॉन्ट का हम क्या करेंगे, कलर को चेंज कर देंगे। आप चाहे यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लूँगा। तो पहले मैं इस लाइन को कट कर देता हूँ पूरी को इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा दूँगा इसके ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पे आप ए के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे इस कलर को, कोई भी कलर को आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डार्क येलो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तैयार हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे करना क्या है, दोबारा से प्लस आइकन पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ पे हम स्मॉल वाली जो बिल्कुल बारीक वाली टेक्स्ट है इसको ले लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने टैग को लगाएंगे। तो मेरा यहाँ पे टैग है @PeepJack। तो अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कलर को वाइट कर लेंगे और इस तरीके से इसको नीचे लगा देंगे साइड में जाके, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने टैग को लगा सकते हो ताकि दिखने में अच्छा लगे और काफ़ी यूनिक लगे। तो मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, हाँ इस तरीके से, ओके। और टैग को हम करेंगे छोटा। अगर वहाँ से दोस्तों आपका टैग जो है वो स्मॉल नहीं हो पाता तो यहाँ पे नीचे एक पिक्सल है जहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पिक्सल वाले आइकॉन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये टैग जो है वो स्मॉल हो जाएगा। अभी देख सकते हो आप बड़ा है, तो हम यहाँ पे पिक्सल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये स्मॉल हो गया। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अब कर सकते हो डाउनलोड और अपनी गैलरी के अंदर आप इसको सेव कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलूंगा मैं एक न्यू एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, खुदा हाफिज़।